नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के अंबेडकर चौक पर, जहां पर आज हम आपको बड़ी खबर दे दें कि कल जहां भाजपा के पार्षदों की टिकटों की घोषणा हुई थी, उसके बाद से कई भाजपा के नेता विरोधी स्वर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत के सुर उठने शुरू हो चुके हैं। बहरहाल, ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि इन बगावती सुरों से भाजपा को कितना नुकसान आने वाले नगर निगम चुनावों में हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल जहां हमने आपको दिखाया था कि विकास तवर, जिनको टिकट मिलनी थी, जो करनाल जुंडला गेट आसपास के इलाके के थे, उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी कर दी थी कि वह अलग चुनाव लड़ेंगे, अलग आजाद चुनाव लड़ेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा के युवा नेता, जो काफी सालों से भाजपा में है, वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी थे, काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, लगातार इनकी होर्डिंग्स भी जो है उस इलाके में लग रही थी, लेकिन आज इन्होंने ये ठान लिया है कि इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जिसके चलते ये आने वाले दिनों में पार्टी से इस्तीफा अगर इनको देना पड़ा, वे आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनका दुख है। आप बताएं सर, क्या कुछ आपका दुख है, क्या कुछ आपका नाम और क्या कुछ आपका वार्ड? दुख तो ऐसा है, मैं वार्ड 13 से पार्टी की तैयारी कर रहा था मैं, लेकिन मेरे वार्ड में एक विजय सिंगला को टिकट दी, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, ना वो डिजर्व करता है। मेरे को एक दिन पहले बोला गया था कि आप अपनी तैयारी कीजिए, एक रात पता नहीं क्या हुआ, उसको बुला के, कांग्रेस ही को बुला के टिकट दे दिया। मुझे समझ नहीं आया अभी क्यों किया इन्होंने और किस लिए किया, मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे में कमी कहते, मुझे बताए थे भी तेरे में कमी है भैया, उसको टिकट देंगे, जो आदमी डिजर्व ही नहीं करता, हमारे वार्ड का नहीं है, ना तो पार्टी का आदमी है, उसको टिकट दे दी। एक दिन पहले किस किसने आश्वासन दिया था? मैं ओजी साहब ने दिया था, पदाधिकारियों ने दिया था करनाल के, भी आप तैयारी कीजिए। में कौन-कौन थे? ये अपना जगमोहन जी हैं, सुगीजा जी हैं, अभी आप तैयारी कीजिए। और मैंने तैयारी शुरू कर दी, एक दिन पहले टिकट काट दिया, मुझे समझ नहीं आया। तो क्या कुछ करेंगे आगामी? अभी देखते हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो कार्यकर्ता समर्थक इकट्ठे करके क्या कहते हैं, कैसे करना है बताएं। तो चर्चाएं ये भी हैं कि नीटू कक्कड़ इस्तीफा देकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं। मेरे समर्थक भाईचारा बोलेगा उस हिसाब से करेंगे, जो सब बोलेंगे। और भी कुछ साथी हैं जो संपर्क में है, क्योंकि कई वार्डों से इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं? वो साथी हैं, कमल मुंजाल है वार्ड 15 से मांग रहा था, अनुराग सेट्टी है और सतीश गुज्जर है 20 वार्ड से, उसको भी टिकट नहीं मिली, काफ़ी लोग नाराज हैं। ये तो मेरे को पता है, नाराज तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि टिकटों का आवंटन जो हुआ है, किस तरीके हुआ है ये पता ही नहीं है। तो चुनावी तैयारी पूरी कर रहे थे? हाँ, चुनावी तैयारी पूरी कर रहे, अभी तैयारी है हमारी, तो तैयारी पूरी कर। तो नामांकन के 2 दिन शेष रह गए हैं, तो शेष नामांकन भरने की तैयारी हो सकती है आपकी? हाँ, हो जाएगी तैयारी, तो हमारी ऑलरेडी थी ही पहले, ये तो कल ही टिकट कटी है ना, हमें पता नहीं था क्यों काटी गई है तैयारी, तो हमारी कई 5 साल से पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, तैयारी तो हमारी थी कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ ये समझ नहीं आया। तो कितनी मेहनत की आपने पार्टी के लिए, और क्या कुछ किन लोगों पर कहना चाहेंगे, अपना जो दुख है वो किन लोगों पर फोड़ना चाहेंगे, कि किन लोगों की वजह से आपको टिकट नहीं मिला? नाल के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने टिकट का आवंटन किया है, कैसे किया है मुझे समझ नहीं आया, भी क्यों उसको टिकट दी गई है, क्या कंप्रोमाइज़ किया उससे, भी 5 साल जिस आदमी ने काम ही नहीं किया पार्टी में, उसको टिकट क्यों दिए, मुझे तो ये समझ नहीं आया, समझ से बाहर है, क्या पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, और मेम्बर भी नहीं है ना, उसने वार्ड में काम किया है, और मेरा आरोपी भी है शायद, वो किसी अपने पास रहते हुए पेंशन का आरोपी भी है, उसमें अंदर भी रह गया है, और ये फिर समझ नहीं आया। तो देख सकते हैं, बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके समर्थन में काफी लोग सामने आ रहे हैं, इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नीटू कक्कड़ जो वार्ड नंबर 13 से थे, उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला और उन्होंने इस्तीफे देने की बात तक कह दी है। ऐसा है जी, इस्तीफा तो चलो इनका अपना निजी मामला है, परंतु इन्होंने जो कार्य वार्ड के अंदर जाके किए हैं और लोगों का दुख दर्द समझा इन्होंने, वो शायद मेरे हिसाब से जो जिनको मिली है टिकट उसको तो पता भी नहीं होगा कि इस तरीके से किया जाता है ये काम। इन्होंने हर घर में जाके हर घर का दुख साथ में अपने साथ बांटा है, पर इनको टिकट मिलनी चाहिए थी, जो कि ये प्रबल दावेदार भी हैं और ये युवा हैं। सबसे पहले तो युवा नेता को आगे लाना चाहिए, बीजेपी का एक जो कहते हैं कि हम युवा को आगे लाएंगे, पर युवा को ही छोड़ दिया इन्होंने, तो ये दुख की बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी में बगावत के सुर जारी है, और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं शहर में, मेयर प्रत्याशी को लेकर, अन्य पार्षदों को लेकर? ऐसा है जी, अभी तो देखो हवा बन रही है कि कुछ लोग जातिवाद की तरफ चलने लग गए हैं, जबकि ये चीज हमारे शर्म समाज के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हम भी अपना निजी मेरी राय ये है कि समाज को जातिवाद में कृपया मत बांटें, जो अच्छा है, जो काम कर सकता है, जो घर घर पहुंच सकता है, जो सबका दुख दर्द समझ सकता है, उसी को अपना वोट दें, ये मेरी निजी राय है और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही हो। तो ये आप देख सकते हैं कुछ और लोग हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कई वार्डों से जो प्रत्याशी थे, जिनको टिकट मिलना था, वह अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। नीटू कक्कड़ उनमें से एक है, सतीश कुमार उनसे हमारी बात हुई वो उनमें से एक है, कल उन्होंने अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जारी की है। तवर है वो, विकास तवर, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ समझते हैं आपकी, कहाँ कमी रही?
जहाँ तक टिकट जो आवंटन हुआ ये बिल्कुल ही पारदर्शिता इसमें नहीं बरती गई। जो लोग नाराज होना भी स्वाभाविक है, जो लोग बहुत दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कई सालों से काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, उनको टिकट ना दिया देकर और पैरासूट से ही सारे प्रत्याशी को लाया गया, इसको देखते हुए काफ़ी लोगों में रोष है। और आने वाले टाइम में अभी भाजपा को पता भी चल जाएगा, काफ़ी लोग पार्टी छोड़ के भी जाने वाले, विरोध का स्वर जो है चलना शुरू हो गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा बढ़े। तो क्या कुछ देखेंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में तो परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है। अगर हालात यही रही तो कुछ ऐसा भी ना हो कि इनका बस्ता उठाने वाला कोई ना बच जाए। जो आज के सिनारियो इनका चल रहा है, इलेक्शन में जो टिकट बंटवारा हुआ है वो काफ़ी पारदर्शिता हुई है, किसी को ढंग से टिकट नहीं दिया गया, हर वार्ड में कुछ ना कुछ किया गया है। तो इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के अंबेडकर चौक से, और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि हम लंबे समय से इलेक्शंस को कवर करते आ रहे हैं, 13 साल से पत्रकारिता में, हमने कई बार देखा कि राजनीति में आया राम गया राम जरूर देखते हैं, इस तरह से इलेक्शन से पहले भी देखा जाता है और टिकट मिलने के बाद भी जो है देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की आपसी निजी सलाह है और कहीं ना कहीं इनकी भी दुख था, इनका भी दुख हम जानने पहुंचे हैं। एक बार दोबारा से हम नीटू कक्कड़ से बातचीत करते हैं। नीटू कक्कड़, आप बताएं कि आप बीजेपी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाया करते थे, तो अब क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से, क्या कुछ आगे कार्य करने वाले हैं? देखते हैं, बात करते हैं। आज मीटिंग रखी है शाम के 8 बजे के घर पे, काफी लोग इकट्ठे होंगे, जैसा वो रेस करेंगे भैया आजाद लड़ना है, पार्टी छोड़नी है, देखते हैं क्या करते हैं। तो कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे? हाँ जी बिल्कुल लेंगे, उनसे तो कार्यकर्ता के बिना कुछ है ही नहीं। तो अन्य माहौल किस तरह से देख रहे हैं आप शहर में, क्या माहौल लग रहा है? जिस तरह टिकटें बांटी है मुझे लगता नहीं क्या माहौल रहेगा, मैं क्या कहना चाहूँगा आपको, लग जाएगा 16 तारीख के बाद पता लग जाएगा। जिस तरह टिकटें दी है इन्होंने आपको खुद ही लग जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही पता लग जाएगा आपको। तो बात हुई आपकी नेताओं से, बातचीत हुई? हाँ आया फोन भी है, बैठ जाओ करते हैं बात, करते हैं क्या करते हैं बात, मुझे बताओ। मैंने 5 साल काम किया, मेरी कमी क्या थी मुझे एक बार ये तो बता दो, यहाँ भी तेरे में ये कमी थी, इसलिए टिकट नहीं दी। तो कौन सा इलाका है? वार्ड 13 है, सदर बाजार है, रमेश नगर है, इब्राहिम मंडी रेलवे रोड है। और मुझे तो एक दिन समझ नहीं, एक दिन पहले टिकट देके को काट दिया, समझ नहीं आई बात। एक दिन पहले कहा था आपको? हाँ कहा था, आप तैयारी कीजिए, आश्वासन दिया था पूरा कि आप तैयारी कीजिए, हमारे वार्ड 13 में एक ही आदमी है नीटू कक्कड़, दूसरा कैंडिडेट नहीं है। ये एक दिन पहले कहाँ से बुलाया, उसको कैसे किया, क्या कंप्रोमाइज़ किया, इससे क्या सेटिंग की इन्होंने पदाधिकारियों ने, मुझे तो लगता है ये कहीं ना सीएम साहब को हराने की साजिश है। ये टिकटें गलत बांटो, प्रत्याशी हारेंगे तो सीएम साहब को हराने की साजिश है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जब सीएम साहब जब यहाँ करनाल इलेक्शन लड़ने आए थे, हमने उनका साथ दिया था और इन्होंने विरोध किया था। जो आज ये पदाधिकारी टिकट दे रहे हैं, हो सकता है उससे गुस्सा हो, ये आदमी साथ था और हम काले बैनर दिखाने में थे, तो अब हमारा मौका है, इसको निकालो पार्टी से। कौन कौन लोग शामिल हैं आपको पता ही है, सारे जो पदाधिकारी आज जिला अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, सब लोग थे बैनर दिखाने में, झंडे दिखाने में काले। आज उन्होंने हमें जो किया बाहर पार्टी का, बाहर दिखाने का काम भी वही कर रहे हैं। और मेरे को नहीं, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने काम किया था खट्टर साहब के साथ, ये आज हमें सिला मिला है कि जो आप पहले झंडा उठाया था, झंडा उतारोगे तुम ही। कल कौन कौन प्रबल उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला? एक अनुराग सेठी है, काफी तैयारी उसको नहीं मिला, विकास तवर है, कल आपने देखा होगा वो भी बड़े बड़े, उसके फादर 20 साल से 25 साल से MC रहे हैं और उस टाइम के रहे हैं जब बस्ता को उठाता नहीं था, उसको टिकट नहीं दिया। और सतीश गुज्जर हैं, राजेश वोरा है मालडाउन से, काफ़ी लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो मतलब कि आप नए कैंडिडेट ही आए हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं या कहीं से भी आए हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अपने पदाधिकारियों के पार्टी के वर्कर की पूरी अनदेखी हुई है। तो इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के अंबेडकर चौक से देख रहे थे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का दर्द कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए कि क्या कुछ इनके अंदर दर्द है। और जिस तरह से कंप्रोमाइज सेटिंग तक के आरोप जो है इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, इन नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अकेले नीटू कक्कड़ नहीं है, कल विकास तंवर ने आरोप लगाए थे, आज सतीश कुमार, उनसे हमारी फोन पर बातचीत हुई है लेकिन वह यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, अनुराग सेठी हैं, हालांकि वो उनका कहना है कि वे बीजेपी में ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे उम्मीदवार जरूर हैं जिन जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर आजाद चुनाव लड़ने की पूरी तौर से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से नुकसान आने वाले चुनावों में हो सकता है बीजेपी के कुछ वार्डों में, जहां बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं, जिनको टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है क्या वह दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर लेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि कई खबरें जो है नगर निगम चुनावों को लेकर पल पल की अपडेट्स आ रही हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको इस तरह की अपडेट्स देता रहेगा। और आज शाम को एक बड़ी अपडेट भी यह आई है कि करनाल से मेयर सीट के प्रत्याशी आशा मनोज वधवा को INLD ने भी खुला समर्थन देने की बात कह दी है। जी हम आपको बता दें कि अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में यह बयान दिया है जिसमें आशा मनोज वधवा को खुला समर्थन देने की बात कही गई है। INLD की तरफ से नहीं बल्कि पिछले दिनों चाहे कांग्रेस के कई खेमे हैं, चाहे अशोक तंवर का खेमा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा हो, तो सभी खेमों की तरफ से इस तरह की जानकारियां आ रही है कि आशा मनोज वधवा को
खुला समर्थन देने की बात कही जा रही है। बहरहाल ये राजनीति है, राजनीति चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा उसको वह खुला समर्थन देते हैं। बहरहाल आने वाला दिन ही बता पाएगा कि आखिरकार पब्लिक किसको जिताती है और किसको जो है वापसी भेजती है। ये बहरहाल अपने आप में हम आपको बताना चाहेंगे कि 20 वार्ड हैं जिनकी टिकटों की घोषणा कल की गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि नीटू कक्कड़ के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो एक एक करके पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल है वो इलेक्शंस के तौर पर आम तौर पर देखा जाता है। चुनावों के दौरान हम हमेशा देखते हैं कि जिन लीडर्स को टिकट नहीं मिलता है वह तो या तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आते हैं या अन्य पार्टी को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। अंत में हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर नीटू कक्कड़ को टिकट नहीं मिला तो क्या वह किसी और पार्टी के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपको कहा आज मीटिंग होनी है शाम को 8 बजे, कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, जैसे वो कहेंगे उनके साथ है, जो कार्यकर्ता बोलेंगे रहना है छोड़ना है जैसे वो बोलेंगे। तो ये आप देख रहे थे करनाल के अंबेडकर चौक से सीधी तस्वीरें, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि वार्ड नंबर 5 से भी कुछ जो है इसी तरह की खबर आ रही है कि उसमें जो प्रत्याशी हैं उन द्वारा एक सर्टिफिकेट जो जमा कराए गए हैं उसमें शायद कुछ गड़बड़ी की है, शायद उस उम्मीदवार को भी शायद चेंज किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कन्फर्म जानकारी कुछ नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 13 से नीटू कक्कड़ ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि कहीं ना कहीं वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी आज शाम 8 बजे की बैठक है, उसमें जो है ये अहम फैसला लिया जा सकता है। नगर निगम चुनावों को लेकर करनाल के हर शख्स की जो है कहीं ना कहीं नजर है कि आखिरकार अगली शहर की सरकार किसकी बनती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश वह भी कर रही है, अपने जो कुछ विकास के कार्य उन्होंने किए हैं कुछ आगे करने हैं वह जनता को गिना रही है। वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर आशा मनोज वधवा और भी कई बेअंत कौर हैं, और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कोमल चंदेल हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में जाकर अपना समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के अंबेडकर चौक से। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।